अस्सलाम दोस्तों, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है ऑलिव स्प्रेड। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ज़्यादा सबको पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑलिव ब्रेड बनाने के लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है, 2/3 कप ब्लैक ऑलिव्स हैं, 2/3 कप ग्रीन ऑलिव्स हैं, 1/4 कप ऑलिव ऑयल है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सॉल्ट है, चिली फ्लेक्स हैं, गार्लिक पाउडर है और कुछ इटालियन हर्ब्स हैं हमारे पास, जिसमें ओरिगैनो, थाइम और बेजल लीव्स हैं। ठीक है, ये सब 1 1 टीस्पून लेंगे एंड 2.5 टीस्पून हमें यीस्ट चाहिए। 1 कप हमें पानी चाहिए जो कि थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैदे में ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे। अच्छा, इसको हमने अच्छे से गूंदना है, 5 मिनट तक बस गूंदते ही जाना है। ठीक है। अच्छा, ये मैं अब ऑलिव्स डाल रही हूँ, ब्लैक और ग्रीन दोनों डाल देंगे। ये ऑलिव ऑयल डालेंगे बेस में और इसके ऊपर भी ऑलिव ऑयल लगा देंगे और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, कर लेंगे ऐसे, और इसको 1 आवर के लिए छोड़ देंगे। इससे ये डबल हो जाएगी राइस होके। ये देखें जी, 1 घंटा हो गया इसको और ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़्यादा राइस हो गया, ये डबल हो गया। इसको आप पंच डाउन करेंगे, थोड़ा सा और भूनेंगे इस तरह, और फिर इसको जिस डिश में हमने बेक करना है, ये देखें इसको फॉइल पेपर से मैंने कवर कर लिया, इसमें रखेंगे और फिर 20 मिनट्स इसको थोड़ा ब्रेक देंगे। ये मकई का आटा है, इसमें थोड़ा इसको डो को रोल करेंगे। इसको फिर 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। के बाद कितनी अच्छी राइस हो गई है। अब इसको हम 200 डिग्री पे 30 मिनट के लिए बेक करते हैं। ठीक है, इसको कवर करके बेक करना है, ऐसे नहीं करना। ये मैं हल्के हाथ से इस पर कट लगा रही हूँ। अच्छा दोस्तों, इसको 30 मिनट हो गए हैं, अब इसके ऊपर से कवर हटा देंगे। दोबारा 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। अच्छा, ये देखें जी, ये 20 मिनट बाद मैंने अब निकाल लिया, बहुत गर्म है, अभी ये ठंडी होगी ना तो फिर इसको बाहर निकालती हूँ। दोस्तों, ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, थोड़ी ठंडी हुई थी तो मैंने कट लिया, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये देखें इसका टेक्स्चर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चखने में भी, टेस्ट करने में भी बड़ी कमाल की है, मैंने चखी है, बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसको बटर लगा के तो खाएं और इंजॉय करें। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।